जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह, हर बार की तरह, हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। बात करेंगे इस वीडियो में 17 से 23 जनवरी के बीच के 7 दिनों के बारे में। ये जनवरी महीने का तीसरा सप्ताह है। क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से तीज त्यौहार है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, तमाम जानकारियां आपको देंगे 7 दिनों के बारे में, ताकि आपकी प्री प्लानिंग अच्छी हो, आपका आने वाला सप्ताह अच्छा हो, और अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसको दूर करने के लिए मैं आपको ज्योतिषीय उपाय भी दूंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सप्ताह में कौन कौन से तीज त्यौहार होंगे। सबसे पहले 17 जनवरी सोमवार को पौष पूर्णिमा व्रत है, 21 जनवरी शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी है, और 23 जनवरी रविवार को सुभाष चंद्र बोस जयंती है। तो ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी इस हफ्ते में। बाकी कोई बड़े ग्रह का गोचर नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी ग्रह की स्थिति है उसी के आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया है, और चंद्रमा हर 2.5 दिन पर अपनी चाल बदलते हैं, तो हमने उसको भी ध्यान में रख के ये राशिफल पूरा तैयार किया है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पर आधारित है, यानी कि नाम राशि आपको जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको हर राशि के नीचे कुछ अक्षर दिखाई देगा। अगर आपका नाम उस अक्षर से शुरू होता है तो वो आपकी राशि है। आप उस राशि की राशिफल को देखिए और उसी तरीके से अपनी प्लानिंग कीजिए। बाकी बहुत सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सप्ताह में एक दिन आने वाला वीडियो है। आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं आपको देती हूँ अपने दैनिक राशिफल के वीडियो में, वहाँ आपके सवालों को भी शामिल करती हूँ, तो आप उसे देखना बिल्कुल भूलिए। हर शाम 5 बजे वो वीडियो हमारे चैनल पर आता है, उसमें आपको जो है आप जो सवाल पूछते हैं वो भी शामिल करती हूँ, दिन के अनुसार बहुत सारी खास जानकारियाँ देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। जो भी आपके ऐसे सवाल होते हैं जेनरिक सवाल, जिससे बहुत सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वैसे सवाल को शामिल कर लेते हैं। बाकी जो बहुत ही ज़्यादा निजी सवाल होते हैं, यानी पर्सनल होते हैं, उनको आप सॉल्व करवाने के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस उसी लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत है। वो लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का, वहाँ क्लिक करते ही आप हम तक पहुँच जाएंगे, किसी भी समय क्लिक करके आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये वीडियो होता है, इस वीडियो में हम आपको कोशिश करते हैं ऐसा सवाल लें जिससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ हो। तो आप दैनिक राशिफल का वीडियो ज़रूर देखा करें। बाकी जिन लोगों का इस सप्ताह में एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं 17 से 23 जनवरी के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी वार राशि के जातकों के लिए। शुरुआत मेष से करेंगे। इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके दशम भाव में शनि के साथ मौजूद है और बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित है। लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, नहीं तो आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी जो पहले से आपके पास है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आएं तो उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फ़ोन को बंद ही रखें। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है, हालांकि आशंका ये भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम के अनुसार देखें तो आप अपनी प्यारी और मीठी बातों में अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे वह आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी। ऐसे में इस शुभ समय का उत्तम लाभ उठाएं। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो इस सप्ताह आपको उनसे बात करते समय मर्यादित आचरण करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि संभव है कि आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाए। साथ ही आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बात करें। अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है, जिसके कारण आपका रुझान उनकी ओर और अधिक आकर्षित प्रतीत होगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका यह अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसीलिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें, चूंकि राहु आपके प्रथम भाव में स्थित है और केतु 7वें भाव में।
इस समय आपको धन लाभ तो होगा ही, साथ ही इससे आपका सामना जो है कई नई आर्थिक योजनाओं से भी होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले निवेश से जुड़ी हर अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। इसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद हैं। यह आपको अवसाद से बचाएगा यानी डिप्रेशन से, साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए इस सप्ताह आप किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा लेकिन भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे। इसीलिए किसी भी गलत कार्य को करने से बचें। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान योग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे जिससे के चलते आपकी प्रशंसा जो है लोग करते नहीं थकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम एक अद्वितीय एहसास है, या आपको एक सप्ताह में जो है इस सप्ताह में समझ में आ सकता है। लवमेट के साथ आप करीबी महसूस करेंगे और उनके साथ अपनी भावनाओं को भी आप साझा करेंगे। वहीं इस राशि के जो जातक अभी तक सिंगल थे उनके जीवन में कोई भी खास दस्तक दे सकता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता जान लें। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपके जीवन में कई सौगातें लेकर आ सकता है। ऐसे में यदि आपका जीवन साथी के साथ किसी तरह का मतभेद था तो उसे भी आप इस समय दूर करने में सफल होंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके कार्यभार में कुछ कमी दर्ज की जाएगी जिसके कारण आप अपना बहुत सा समय जो है खाली बैठकर बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी कार्य क्षमता को समझने और सिर्फ खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपकी कमाई में इजाफा होने की भी संभावना बढ़ सके। इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि सूर्य आपके आठवें भाव में शनि के साथ उपस्थित है। ऐसे में अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें। आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर इंसान को सबसे ज़्यादा सीख देता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि ज़िंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। लव लाइफ की बात करें तो प्यार के मामले में आपका जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी फैसला लेना इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में यदि आप किसी भी परिस्थिति को खराब नहीं होने ना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लेते हुए अपने प्रेम संबंधों को जो है ध्यान में रखते हुए किसी भी फैसले पर पहुंचे। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि शादीशुदा जिंदगी में केवल आप ही नहीं बल्कि आपके साथी का भी अहम योगदान होता है क्योंकि संभव है कि आप किसी समस्या में खुद को फंसा हुआ पाएं जहां आपका साथी आपकी अपेक्षा से परे जाते हुए आपकी मदद करे और इस समस्या से आपको निजात दिलाए। उपाय के तौर पर दिन में 6 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दूंगी मैं। ये बात आपकी राशि के करीब करीब सभी जातक भली भांति समझते हैं कि जब भी वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो उन्हें संभवतः अच्छा आर्थिक मुनाफा होता है। ऐसा ही कुछ आपको इस सप्ताह भी अपनी सोच में सकारात्मकता लेकर आने और अपने प्रयास उसी ओर करने की जरूरत होगी तभी आप सही अवसर का फायदा उठाते हुए धन कमा सकेंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की जरूरत होगी क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। आपके सप्तम भाव में शनि के साथ सूर्य और अष्टम भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण
सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसीलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, नहीं तो इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आप अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करते हैं तो सप्ताह कई जातकों को प्रेमी संग शादी के बंधन में बंधने का भी मौका मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले अपने घर वालों को मनाने और उन्हें अपने प्रियतम से मिलाने की जरूरत होगी। इस समय किसी भी कारणवश प्रेमी की छवि को घर वालों के सामने खराब न होने दें। रोमानी नजरिए से आपके वैवाहिक जीवन के लिए सप्ताह विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि संभावना है कि घर के लोगों की अनुपस्थिति में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताने और उनके बेहद करीब आने के कई मौके मिलेंगे। इस दौरान आप दोनों अच्छा और स्वादिष्ट भोजन का एक साथ आनंद लेते हुए देर रात का कोई फिल्म देखने का प्लान कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः का जाप करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, नहीं तो आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और उसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस हफ्ते आपको कोई बड़ी समस्या होने की आशंका न के बराबर रहने वाली है। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। इस सप्ताह घर के बच्चों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके कारण वो अपना अधिक समय टीवी देखकर बिता सकते हैं और इससे आपको निराशा के साथ ही उनके साथ विवाद तक होना संभव है। हालांकि इस दौरान ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे बच्चों के मन में आपके प्रति नफरत उत्पन्न हो। इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि उनके साथ समय बिताते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके पराक्रम और साहस में कमी आएगी, जिससे आप अपने करियर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतरीन अवसरों को गंवा भी सकते हैं। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति पांचवें भाव के स्वामी के रूप में आपके सातवें भाव में उपस्थित है। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आप अपने प्रेमी से अपनी भावनाओं को साझा करने में असफल हो रहे थे या पूर्व में उनके साथ सही संवाद करने में आपको कोई परेशानी आ रही थी, तो आपको ये सप्ताह अपने लव पार्टनर को दिल की बात बताने के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ऐसा करके संभव है कि आपका प्रेमी जिस गलतफहमी को लेकर दुविधा में था वो पूरी तरह से दूर हो जाए। पूर्व में आप और आपका जीवन साथी प्यार मोहब्बत के लिए जिस पर्याप्त समय और मौके की तलाश में था, इस सप्ताह आपको उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिल सकेगी, जिससे आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए उसके विस्तार के बारे में भी एक दूसरे से बातचीत कर उससे जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायण नमः का जो है जाप करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस सप्ताह आपका भाग्य साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में द्वादश भाव के स्वामी सूर्य के साथ स्थित है। इस सप्ताह आपका अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस साल भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह भाग्य आपके साथ होगा, जिससे आपकी शोहरत तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप आसानी से विपरीत लिंगीय लोगों को भी प्रभावित करते हुए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो सकेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि हर कोई आपसे बातचीत करना और आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहता है। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के चेहरे की रौनक और उनके मुस्कान में वो काबिलियत होगी कि पल भर में आपका सारा दर्द और तनाव गायब हो जाए। ऐसे में आप उनके गले लगाने और उनके बेहद करीब आने के मौके तलाश करते दिखाई देंगे, जिससे में मिलने वाली सफलता आपको शादीशुदा जीवन का चरम सुख देगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। अब बारी तुला राशि के जातकों की।
इस सप्ताह बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्थित है और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसीलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता करने की जरूरत होगी। इसीलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें, साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें अवगत कराएं। वो नौकरी पेशा जातक जो स्थानांतरण ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इच्छानुसार ट्रांसफर मिलने से शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इस दौरान आपकी खुशी आपके चेहरे से झलकती दिखाई देगी, जिसे आप अपने परिवार वालों और अपने करीबियों के साथ मनाने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपको ये खुशी अपनों के साथ बांटते समय उन्हें मिठाई खिलाने की भी सलाह दी जाती है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे लोगों को थोड़ी अधिक मेहनत करके सफलता प्राप्त होगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाने वाले के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। ऐसे में आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में खुशी महसूस करेंगे और एक दूसरे को अपना हम सफर बनाने का मन बनाएंगे। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अपार सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आप भी अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए इस सप्ताह उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं या बाहर से मंगा सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मंदिर में देवी दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा करें और तेल का दीपक जलाएं। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपके तीसरे भाव में सूर्य और शनि स्थित होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत आपकी सेहत के लिहाज से अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि समय अवधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसीलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें, उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब का जो है उत्साह देखा जाएगा, गजब की ऊर्जा देखी जाएगी। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी काम को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों को कि अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, नहीं तो दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से खुद को वंचित कर देंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके प्यार के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ खुशकिस्मत लोगों को इस सप्ताह प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, अर्थात उनका मन चाहा जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के समाज में मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण आप भी स्वयं प्रयास करते हुए अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 27 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ ना कुछ सीख लें और निरंतर जो है अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। इस सप्ताह बृहस्पति आपके तीसरे भाव में और शनि आपके दूसरे भाव में स्थित है, इसीलिए संभव है कि इस दौरान किसी पूर्व के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ होगा। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपको उम्मीद से ज़्यादा खर्चा भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में कुछ भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार कर लें। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसीलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। कार्यक्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पूर्व की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो
उपचार होना पड़ेगा। इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखिए और अपनी चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रखिए। वो छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, विधि, सोशल सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी और सेवा प्रदाता क्षेत्र की पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में यह हफ्ता आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए सर्विंग जो है सप्ताह में से, यानी बहुत अच्छे सप्ताह में से एक सिद्ध होगा, इसीलिए इसका उत्तम लाभ उठाइए। लव लाइफ की बात करें तो सप्ताह का योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और आपके प्रियतम के बीच पूर्व का कोई विवाद था तो आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। ये सप्ताह शादीशुदा जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके कारण आपका जीवन साथी भी आपके प्रति विनम्र रहेगा। उपाय के तौर पर वृद्धजनों का आशीर्वाद लें और उनसे सलाह लें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह सूर्य आपकी चंद्र राशि में आठवें भाव के स्वामी के रूप में उपस्थित है, इसीलिए आपको अपने दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान आपके साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें भी सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसीलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपका साझेदार आपको धोखा दे सकता है और आपके पैसे लेकर भाग सकता है, इसीलिए हर तरह के लेन देन को करते समय कागजी कार्रवाई जरूर करें। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप न चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने और अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, इसीलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। अब बात करें लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपका स्वभाव यूं तो खुशमिजाज रहेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके अपने प्रिय के साथ कुछ पूर्व के मतभेद पुनः उभरने की आशंका दिखाई दे रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपको अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी सामान्य से कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में इस दौरान आपका भी नियंत्रण खोना विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है। इस सप्ताह आपको सख्त हिदायत दूंगी मैं कि अपने दाम्पत्य जीवन से कोई भी जुड़ा निर्णय लेते समय या कोई भी योजना को बनाते समय जीवन साथी की इच्छाओं का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जीवन साथी से बिना पूछे यदि आपने कोई भी योजना बनाई तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की आशंका सबसे अधिक रहेगी, इसीलिए ऐसा करने से बचना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में शनि के साथ स्थित है। लेकिन यदि आप इसके लिए कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं, ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से ज्यादा भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। आपकी राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह का समय काल जो है शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी कठिनाई आ सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह सिंगल जातक प्रेम की तलाश में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, जिसके चलते बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे में रोमांस और प्रेम के मामले में इस दौरान आपको अपने दिमाग का उपयोग करने की हिदायत दूंगी मैं। इस सप्ताह आशंका है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उन पर गुस्सा आए, लेकिन इस दौरान जीवन साथी पर आपका क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि साथी आपको प्रतिक्रिया देते हुए गलत शब्द कह दे, इसीलिए खुद पर काबू रखिएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की।
इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य से काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, जिसके कारण आप घर परिवार पर जो है उनके सदस्यों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी। इस सप्ताह योग बन रहे हैं तो आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है, इसीलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो संभव है कि आपका वो पैसा आपको वापस ना मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिस कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा ना करना ही आपके लिए उचित रहेगा, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। सूर्य आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में शनि के साथ स्थित है, इसलिए करियर के नजरिए से इस सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफर शुरू होगा। इसीलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर ले लीजिए, अन्यथा बाद में वे इसके लिए आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वह आपसे खुश हो जाएं और उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेगा। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बन रहे हैं। बात करें लव लाइफ की तो इस सप्ताह आपके प्रेमी का स्वभाव जो है आपके प्रति थोड़ा जरूरत से ज़्यादा ही अस्थिर रहने वाला है, जिसके कारण आपका प्रेम और रोमांस बिगड़ जाएगा। इसीलिए यदि आप कुछ सामान्य करना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा जिससे आपका प्रियतम नाराज हो जाए। इस सप्ताह मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई बड़ा सच आपके साथी के सामने आए, जिससे उनके अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में उस राज से जुड़ी कई जानकारी साथी से छुपाने की जगह आपको स्वयं ही उससे हर जानकारी साझा करने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो हमने जाना इस वीडियो में कि 17 से 23 जनवरी के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, कौन कौन से तीज त्यौहार हैं, क्या आपको उपाय करने हैं। रेमेडीज मैंने बहुत सिंपल बताई हैं, खासतौर पर मंत्रोच्चारण ही है, तो हम में से हर कोई जो है आराम से थोड़ा समय निकालकर मंत्रोच्चारण कर सकता है। तो अगर ये करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव तो कम होंगे ही, साथ ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर कीजिएगा 7 दिन ये मेरे द्वारा बताए गए उपाय। बाकी अगर कोई निजी जीवन में आपकी प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेज वार्ता का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उनसे किसी भी समय कभी भी बात कर सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे बात करके जो है हल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो, उस वीडियो में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब दूंगी। और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी है, वो भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्रभु से यही कामना रहेगी कि 7 दिन आपके काफी अच्छे जाएं। जो तीज त्यौहार है उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन लोगों का जन्मदिन एनिवर्सरी है कोई खास दिन है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.